नॉन मॉसफेट नेक्स्ट इज देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ मॉसफिट्स एन मॉस एंड पी मॉस हमने प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ देखा कि मॉसफेट जो होता है यूनिपोलो डिवाइस होता है तो एन मॉस मीन्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमारा करंट कंडक्शन कर रहे हैं और पी मॉस जहाँ हमारा होस रिस्पॉसिबल है करेंट कंडक्शन के लिए अब पैलली आप इस डायग्राम्स को भी देखिए यहाँ पर ये हमारा एन मॉस है लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में पी मॉस है एन मॉस में सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल्स एन प्लस टाइप के होते हैं प्लस सिग्निफाई करता है कि डोपिंग ज्यादा है और जो बॉडी होती है वो पी टाइप की होती है वहीं पी मॉस में सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल्स पी प्लस टाइप के हैं बॉडी एन टाइप की है अपोजिट है. होते हैं दोनों ठीक है सोर्स एंड ड्रेन से बॉडी की डोपिंग अलग होती है सिलिकॉन एरिया कंपैरिजन करें तो एन मॉस का सिलिकॉन एरिया कम होता है ये इसके एडवांटेज है कम एरिया में हमारा फैब्रिकेट हो जाता है वहीं पी मॉस अगर सेम करंट आपको जनरेट करना है जितना एन मॉस बना रहा है करंट बना रहा है तो फिर आपको लार्ज एरिया चाहिए होता है रीजन वन सगे दी मोबिलिटीज ऑफ होल्स जो कि इलेक्ट्रॉन से कम होती है इसी रीजन से हम देखें तो स्विचिंग एक्शन एन मॉस का अच्छा है फास्ट है ये इसके एडवांटेज है वहीं पी मॉस का स्विचिंग एक्शन स्लो होता है गेट वोल्टेज इस गेट टर्मिनल पर आप देखेंगे कि एक वोल्टेज अप्लाई किया जाता है फॉर ऑपरेशन ऑफ द मॉसफेट तो गेट वोल्टेज एन मॉस में पॉजिटिव होगा पी मॉस में नेगेटिव होगा स्टैटिक पावर कंजम्पशन तो स्टैटिक पावर कंजम्पशन एन मॉस में शॉर्टकमिंग है इसको अच्छे से ध्यान में रखना कि पावर कंजम्पशन एन मॉस का ज्यादा होगा पी मॉस का कम होगा रीजन क्या है सोचिए इसका एक रीजन ये भी है कि गेट वोल्टेज यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है नेगेटिव बोलिए या जीरो वोल्ट भी बोलिए तो पी मॉस कहीं ना कहीं हमारा कम वोल्टेज पे ऑपरेट हो जाता है नेक्स्ट एप्लीकेशन कंपैरिजन एन मॉस स्विचिंग डिवाइसेस में ज़्यादा यूज होते हैं वहीं पी मॉस का यूज सी मॉस सर्किट में होता है सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट कॉम्प्लीमेंट्री मॉस जो होती हैं उनमें एन और पी दोनों मॉसफिट्स यूज होते हैं ये मोस्टली डिजिटल सर्किट्स होते हैं तो ये हमारे एन मॉस और पी मॉस के कंपेरिजन हो गए नेक्स्ट हम बहुत बार मॉस 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 टर्म्स यूज कर रहे हैं जिसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमी स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप मेटल ऑक्साइड सेमी स्ट्रक्चर की वर्किंग समझ लेते हैं तो फिर ये समझिए कि मॉसफेट ऑलमोस्ट फिनिश्ड ये टू टर्मिनल मॉस स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है वो गेट की है देन सेकेंड लेयर ऑक्साइड है सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड थर्ड लेयर सेमीकंडक्टर कंडक्टर सबस्ट्रेट है अगर सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट हमारा पी टाइप का है तो ये कौन सा मॉसफ्रेट हुआ एन मॉस या पी मॉस एन मॉस अभी देखा था ना कि एन मॉस में हमारी बॉडी पी टाइप की थी ठीक है तो यानी हम ये एन मॉस का टू टर्मिनल मॉस स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो मॉस स्ट्रक्चर थ्री लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसमें फर्स्ट लेयर मेटल की है ओके सेकेंड लेयर हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड है जो कि एक इंसुलेटर या यूं कहें कि डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करता है थर्ड लेयर भी आपका सेमीकंडक्टर कंडक्टर यानी सेमी सेमीकंडक्टर कुछ ना कुछ इसकी डोपिंग कर रखी है तो ये इंसुलेटर तो बिल्कुल नहीं है ऑलमोस्ट इट विल बिहेव एज मेटल तो सेमीकंडक्टर लिख लेते हैं यहाँ पे हमारा इंसुलेटर या डायलैक्ट्रिक ये क्या कौन सा स्ट्रक्चर हुआ ये कैपेसिटर बन रहा है जहाँ पे दो हमारी जो ये आउटसाइड प्लेट्स हैं ये मेटल्स की तरह बिहेव करेंगी और ये हमारा डायलैक्ट्रिक है तो मॉस स्ट्रक्चर एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। अब इसमें जो एक वाइवा इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है दैट इज कि ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड थिकनेस कितनी होती है ये 10 एन से 50 एन हो सकती है लेकिन नैनो स्केल पे जाके ये बहुत कम हो सकती है वन नैनोमीटर भी हो सकती है सो so, अभी हमने सिर्फ मॉस स्ट्रक्चर को स्टडी किया है यहाँ इसकी ऑपरेशन की बात नहीं की है नेक्स्ट वीडियो में हम गेट टर्मिनल और बॉडी टर्मिनल पे वोल्टेजेस अप्लाई करके कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे एंड देन इट्स ऑपरेशन डोंट स्किप एनी वीडियो अगर आप वीडियोस को स्किप कर करके देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आना है लेकिन हाँ अगर आप वीडियो को थॉरली देखते हैं तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ करके इस वीडियोज को देखिए Thank you so much. Have a nice day.